Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार फ्रेंड्स स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत है मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके समक्ष साइबर अपराध कोर्स का व्याख्यान क्रमांक चार लेक्चर नंबर फोर लेकर आया हूँ आज इस लेक्चर में हम जो है साइबर स्टॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे साइबर स्टॉकिंग एक जुनून है तो ये जो जुनून है जो एक वेब है जुनून का एक वेब है इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे आ, ये हमारी विषय वस्तु है जो आपके समक्ष है आ, मैं आपको शुरुआत में ही एक चीज़ के लिए आगाह कर दूं आप में से कुछ लोगों को शायद पचपन पचास मिनट के बाद ऐसा लगे कि आज हमने एक साइकोलॉजी की क्लास अटेंड कर ली ऐसा नहीं है एक एक स्टॉकर एक साइबर स्टॉकर के मन में क्या चल रहा है वो जानना अत्यंत आवश्यक है तभी हम जो स्टॉकिंग या साइबर स्टॉकिंग नाम की जो आ, हमारी जो एक सामाजिक समस्या मैं कहूँगा उत्पन्न हो गई है एक लीगल समस्या जो उत्पन्न हो गई है उसके बारे में जान सकेंगे उसका निदान प्राप्त करने के तरीके जान सकेंगे आ, तो ये हमारी विषय वस्तु है सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि स्टॉकिंग जो असल दुनिया में होती है और साइबर स्टॉकिंग जो इंटरनेट की दुनिया में वेब दुनिया में साइबर स्पेस में होती है इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं आ, साइबर स्टॉकिंग के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं वो देखेंगे आ, ये जो पीछा करना या स्टॉकिंग होता है आ, इसके जो भिन्न प्रकार हैं जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो कॉमन और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो सिंपल ऑप्शेशनल स्टॉकर यानी कि सरल जुनूनी स्टॉकर है आ, इसमें अक्सर जो पूर्व के परिचित रहते हैं आ, किसी आ, कोई सहपाठी हो सकता है कोई सहकर्मी हो सकता है कोई पूर्व का सहकर्मी हो सकता है किसी के साथ पूर्व में प्रेमी संबंध रह चुके हों इस तरह के व्यक्ति होते हैं आ, फिर एरोटोमेनिया एक स्टॉकर होता है देखिए स्टॉकिंग की अगर हम बात करें स्टॉकिंग एज अ होल अस्सी प्रतिशत जो पीड़ित होते हैं वो महिलाएँ होती हैं और अस्सी जो करने वाले होते हैं ये आ, जो पुरुष पर अगर हम स्टॉकिंग का एक प्रकार की बात करें जो एरोटोमेनिया एक स्टॉकर है ये जो है अधिकांश महिलाएं होती हैं जो एरोटोमेनिया स्टॉकर होती हैं और जो विक्टिम होते हैं वो पुरुष होते हैं फिर जो है लव ऑब्सेशनल स्टॉकर यानी कि प्यार जुनूनी स्टॉकर होता है झूठा शिकार सिंड्रोम एक अलग प्रजाति है फॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम Uh, ये जो क्या कानूनी संरचना है क्या कानूनी स्ट्रक्चर है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टॉकिंग को लेके देन uh, uh, ये जो टॉट uh, कानून में क्या संरचना है आपराधिक कानून में क्या संरचना है क्रिमिनल लॉ में और गैर घातक आपका कुछ शारीरिक नुकसान नहीं हुआ पर मानसिक नुकसान हुआ स्टॉकिंग के कारण पीछा करने के कारण उसकी हम बात करेंगे गंभीर शारीरिक नुकसान आ, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट ग्रीवियस बॉडीली इंजरी ये जो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है इनकी बात करेंगे हमला और उपद्रव असॉल्ट एंड पब्लिक न्यूसेंस की बात करेंगे जो स्टॉकिंग में इन्वोक हो सकता है स्टॉकिंग के क्या कानूनी तत्व हैं क्या लीगल एलिमेंट्स हैं इनकी हम थोड़ी सी बात करेंगे जो खतरे की क्या आवश्यकताएं हैं क्या इरादा है खतरे का उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे खतरा जो हो रहा है इसमें आ, कैसे स्टॉकर को लगना चाहिए खतरा है उसका क्या इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए जो निकट परिवार यानी कि इमीडिएट फैमिली की बात होती है इमीडिएट फैमिली उसकी हम बात करेंगे इमीडिएट फैमिली में कौन आता है कौन नहीं आता है इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे साइबर स्टॉकिंग किसी के भी साथ हो सकती है आप ये ना सोचें कि आपने कोई गलती की जिसलिए आपके साथ ये हो रहा है नहीं आ, किसी के भी साथ हो सकती है ऐसे में क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए ये कुछ उपयोगी बातें हम करेंगे और फिर हम अपनी आज की चर्चा का निष्कर्ष निकालेंगे कंक्लूजन निकालेंगे अंत में जो है बात करेंगे आ, तो मित्रों सबसे पहले साइबर स्टॉकिंग जो है मशहूर हस्तियों के साथ तो आपने सुना होगा बहुत होती है स्टॉकिंग भी बहुत होती है लेडी डायना की मृत्यु हो गई वो जो मैंने तो इनफैक्ट हत्या का वर्ड यूज़ किया है फ़ोटोग्राफर जो है उनके पीछे पड़ गए और वो जो है उनका ड्राइवर गाड़ी भगा रहा था तेज़ रफ्तार से गाड़ी टनल में टकरा गई मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट तो आ, आम लोगों के साथ अधिकतर जो स्टॉकिंग के पीड़ित होते पीड़ित व्यक्ति हैं वो आम लोग होते हैं मेरे आपके जैसे लोग लेकिन जब हम स्टॉकिंग की बात करते हैं तो जो केस हमने पढ़े होते हैं न्यूज़पेपर में वो फिल्म स्टार राजनेता पॉलिटिशियन, जो नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, इनके बारे में होते हैं इनकी स्टॉकिंग होती है आ, तो पर ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों की होती है 80 परसेंट केस जो है देखिए आम लोगों के होते हैं आ, परेशान करने वाला या धमकी भरा जो व्यवहार है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बार बार देता है तो मतलब एक बार अगर कुछ किया तो वो स्टॉकिंग नहीं है कम से कम दो बार होना चाहिए तभी हम बार बार कह सकते हैं अमेरिका में कई राज्यों ने इस तरह की घटनाओं को देखते हुए बढ़ती हुई जो घटनाएँ हैं जैसी लेडी डायना के साथ हुई इसको देखते हुए एंटी स्टॉकिंग कानून बना दिए हैं तो आगे जा के मैं आपके समक्ष प्रस्ताव रखूंगा कि क्या हमें भी भारतवर्ष में इस तरह के कानून बनाने का आवश्यकता है फिर आपको अपराधी जो है उसको शारीरिक संपर्क जो विक्टिम से बनाने की जरूरत नहीं है पीड़ित से बनाने की जरूरत नहीं है पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि शारीरिक संबंध नहीं है पीछा नहीं कर रहा फिजिकली तो ऐसा नहीं है कि वो कम गंभीर है नहीं साइबर स्टॉकिंग के बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं कभी कभी जो साइबर uh, स्टॉकिंग का पीड़ित होता है वो घर भी नहीं जा पाता है कभी कभी उसके घर पे जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है वो उसके घर पहुंच जाता है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है खासतौर पे जो uh, जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टॉकिंग हैं दो प्रकार के हम उनकी बात करेंगे कभी कभी जो है अटैक हो जाता है एसिड अटैक्स इतने सारे होते हैं स्टॉकर साइबर स्टॉकर्स के द्वारा जो रियल लाइफ में भी पहुँच जाते हैं घर या ऑफिस uh, मैं जब प्रैक्टिस किया करता था मैंने जो है आ, टीचिंग में आने से पहले सात वर्ष प्रैक्टिस की है तो मेरे एक पुरुष क्लाइंट थे जिन्होंने बैंगलोर में वो एक आ, महिला से स्टॉकिंग के द्वारा पीड़ित थे वो महिला जो है इनको प्रताड़ित करती थी वो जो है इनके इंटरनेट अकाउंट्स को हैक किया करती थी वो जो है आ, इनके ऑफिस के दूरभाष पर इनको संपर्क करती थी आ, के घर की लैंडलाइन पे इनको फोन किया करती थी काफी परेशान किया तो जो है हम जो है ये बहुत पुरानी बात है मित्रों 2007-8 की बात है उस समय आईटी एक्ट भी नया था और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तो और कोई अगर बताए कि साहब पुरुषों के साथ इस तरह का हो रहा है तो लोग हंसते थे जो निचले दर पुलिस वाले थे और ये बेंगलोर की घटना है बेंगलोर में भी उस समय इस तरह की तकनीक नहीं थी कि जो आप इनको ट्रेस कर लें क्योंकि ये शुरुआती दिन थे अब तो बहुत तकनीक आगे बढ़ गई है तो फाइनली हम एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आई अधिकारी से मिले उन्होंने कहा कि नहीं मैं अरेंज करता हूँ आप लिखित में कंप्लेंट दीजिए उन्होंने कहा कि आपको थाने में दिन में चार बार पाँच बार आके प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बेंगलोर में ही हैं और आप दिल्ली फ्लाइट लेके कर वापस नहीं आए हैं और आपका जो है ईमेल एड्रेस आपकी अनुमति के बिना एक्सेस हो रहा है दिल्ली और नोएडा में और फ़ोन के द्वारा दिल्ली में आईपी एड्रेस से तो इसके तहत हमने जो है इन महिला को जो है गिरफ्तार करवाया छः महीने ये कारावास में भी रहीं और पर उससे पश्चात इन्होंने जो है साइकैट्रिक कारण बता के इनकी छूट हो गई तो ये भी आपके समक्ष में आगे बात रखूंगा कि क्या आ, इस तरह की जो स्टॉकिंग जिससे आप दूसरे व्यक्ति को खूब चोट पहुँचा रहे हैं शारीरिक मानसिक और खुद आप जो है ये ग्राउंड ले रहे हैं कि साहब मुझे मानसिक तकलीफ है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या आपकी मानसिक तकलीफ दूसरों को मानसिक तकलीफ पहुँचाने के लिए आपको क्या वो एक ग्राउंड बन जाता है. Uh, क्या दूसरे की मानसिक तकलीफ कुछ नहीं है और आप अपनी मानसिक तकलीफ का हवाला देके छूट जाते हैं क्या ये सही है यह भी आपके समक्ष में प्रश्न रखने वाला हूं आगे तो साइबर uh, स्टॉकर्स जो है इंटरनेट की इंक्लूसिव एबिलिटीज का लाभ उठाते हैं फायदा उठाते हैं इंटरनेट पर भारी मात्रा में uh, निजी जानकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट अनॉनिमस है uh, अनाम अज्ञात है आ, इंटरनेट पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कोई व्यक्ति आ, फेस टू फेस ना कर पाए संकोच करे आ, बट इंटरनेट पे एक जो आ, जो 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 अज्ञात होने का फायदा उठाकर व्यक्ति कर लेते हैं शायद आप बहुत अच्छे इंसान हैं आप शायद किसी को फेस टू फेस गाली ना दें बट इंटरनेट पर जाके देखते हैं हर एक आदमी एक किसी को गाली दिए जा रहा है ट्रोलिंग कर रहा है तो आ, वैसे ही देखिए एक संभावित स्टॉकर शायद असल जिंदगी में अनुच्छु हो असमर्थ हो संकोच करे बट एक एलियस के पीछे उपनाम के पीछे वो साइबर स्पेस में आसानी से स्टॉकिंग करने लगता है गाली गलौज करने लगता है सो so, लोगों का बिहेवियर इंटरनेट पे काफी बदल जाता है ऑनलाइन uh, उत्पीड़न जैसा कि मैंने कहा कभी-कभी गंभीर हो जाता है और uh, हिंसा का प्रॉपर्टी डैमेज का कारण बन जाता है मित्रों स्टॉकिंग uh, और साइबर स्टॉकिंग के बीच हम जो समानताएं और असमानताएं की बात करें तो समानताएं ये हैं कि देखिए बोथ साइबर स्टॉकिंग और स्टॉकिंग दोनों ही केसेस uh, में जो पूर्व अंतरंग होते हैं जो फॉर्मर इंटीमेट्स होते हैं uh, जैसे कि कोई सहपाठी हो कोई सहकर्मी हो कोई पूर्व सहकर्मी हो कोई पड़ोसी हो कोई पूर्व पड़ोसी हो कोई पूर्व, हो, कोई पूर्व प्रेमी हो uh, या कोई रिश्ता ऐसा जो खराब हो गया हो uh, वही स्टॉकिंग uh, शुरू कर देता है स्ट्रेंजर स्टॉकिंग होती है बट दोनों ही केसेस में इंटरनेट पे और असल जिंदगी में जो 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 पूर्व अंतरंग है उनके द्वारा की गई स्टॉकिंग ज़्यादा खतरनाक होती है। आ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में कहा था घर का भेदी लंका ढाए क्योंकि पूर्व अंतरंग को आपके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी है तो बनिस्पत इसके कि कोई स्ट्रेंजर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हो कोई पूर्व का आपका जो क्लोज व्यक्ति है अंतरंग है वो आपको स्टॉक करने में वो उसको एडवांटेज है मित्रों तो अधिकांश जो स्टॉकर हैं वो असल जिंदगी में भी और इंटरनेट की जिंदगी में भी पुरुष होते हैं और अधिकांश जो पीड़ित हैं वो महिलाएं होती हैं ये हमारा समाज में विकृति है अधिकांश और पर मैंने जैसा उदाहरण दिया तो ये जो है ये महिलाएं थीं स्टॉकर अधिकांश स्टॉकर जो है पीड़ित को नियंत्रित करने के लिए स्टॉकर जो है वो कंट्रोल करना चाहता है ही इज़ अ कंट्रोल फ्री कंट्रोल करने की इच्छा से प्रेरित है इस तरह का व्यवहार अब हम असमानताओं की बात करें तो ऑफलाइन स्टॉकिंग जो असल ज़िंदगी की स्टॉकिंग है पीड़ित और अपराधी दोनों एक ही जोग्राफिकल एरिया के हैं दोनों दिल्ली के हैं दोनों दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में रहते हैं दोनों जो है कानपुर के फुर्सतगंज एरिया में रहते हैं दोनों जो है कानपुर के कर्नलगंज एरिया में रहते हैं इस तरह का कुछ हो सकता है कलेक्टरगंज एरिया के रहने वाले हों जो भी है कल्याणपुर एरिया के हों ऑनलाइन स्टॉकर कहीं से भी ये कर सकता है एक्टिविटी वो कनाडा में बैठ के दिल्ली में रहने वाले किसी व्यक्ति को स्टॉकिंग कर सकता है जो सूचना प्रौद्योगिकी आ गई है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे साइबर स्टॉकर जो है तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के थ्रू पीड़ित को परेशान करने की क्षमता रखता है धमकी देने की क्षमता रखता है अम, पीड़ित के प्रति अपना जो आ, आ, जो जो स्टोकिंग वाला पीछा करने वाला बिहेवियर है देखिए स्टॉकिंग किसी भी तरह की हो सकती है कोई व्यक्ति बार 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 फ़ोन कर रहा है कोई व्यक्ति बार 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 आपको कांटेक्ट कर रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है कोई आपके घर पहुंच जाता है आपके ऑफिस पहुँच जाता है ये सभी चीज़ें स्टॉकिंग है सिमिलरली आप इंटरनेट पर चैट रूम में जाते हैं कोई यूज़र आपको बार बार मैसेज कर रहा है चाहे वो अश्लील हो चाहे वो अश्लील ना हो पर वो फिर भी स्टॉकिंग या साइबर स्टॉक जैसा भी हो उसकी परिधि में आता है इस तरह का बार बार आप एक बार बता दीजिए कि मुझे आपसे संपर्क नहीं करना उसके बाद भी अगर व्यक्ति संपर्क करने को आतुर है तो वो जो है साइबर स्टॉकिंग की परिधि में आएगा मित्रों ऑफलाइन स्टॉकिंग में आमतौर पर तीसरे पक्ष की या थर्ड पार्टी की भागीदारी नहीं होती है ये केवल विक्टिम और जो स्टॉकिंग करने वाला व्यक्ति है उसी के बीच में ये चलता है कोई थर्ड पार्टी की इसमें भागीदारी सम्मिलित नहीं होता है जो टेक्निक है जो प्रौद्योगिकी है वो जो है उत्पीड़न करना आसान बनाती है धमकियों को देना आसान बनाती है प्रौद्योगिकी जो है गुमनामी अनोनीमिटी पहले हमने अभी देखा था दैट वो जो है आ, आप एलियस उपनाम अनोनीमिटी मेंटेन कर सकते हैं ये अज्ञात रह सकते हैं तो वैसे ही आप जो है अनोनीमिटी मेंटेन करते हैं और अनोनीमिटी के का फ़ायदा उठाकर जो स्टॉकर है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है तो स्टॉकर जो है वो कार्रवाई को अंजाम अपना जो है इसी अनोनीमिटी का फ़ायदा उठाकर दे रहा है मित्रों जो साइबर स्टॉकर है वो उसको जो है शारीरिक रूप से आपसे मिलने की आवश्यकता है ही नहीं वो इंटरनेट पर बैठ के ही आपकी स्टॉकिंग कर रहा है अब तो सारी चीजें आ गई हैं ड्रोन आ गए हैं और उससे लोग जो है फोटोग्राफी कर लेते हैं आ, किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी की दूसरे की व्यक्ति घर पे है या नहीं वो ड्रोन के माध्यम से पता कर लेते हैं सैटेलाइट्स से देश एक दूसरे की जासूसी करते हैं आ, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं अभी वो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें जो है पुलिस फोर्सेस जो है वो ड्रोन की सहायता लेके फोटोग्राफी कर रही हैं और जो जो उपद्रवी हैं जो आंदोलनकारी हैं वो जो है उन ड्रोन्स को भी उनको जो है उनके कैमरे खराब करने के लिए पतंगों का प्रयोग कर रहे हैं देखिए अब जो है कहाँ से कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच रही है मित्रों जैसे जैसे इंटरनेट का प्रयोग बढ़ेगा उपयोग पड़ेगा कंप्यूटर्स हमारी लाइफ में और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पर आएंगे साइबर स्टॉकिंग के मामले भी बढ़ेंगे ऐसी संभावना है क्योंकि हर क्राइम का एक नया साइबर डायमेंशन आज पैदा हो गया है तो साइबर स्टॉकिंग भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है इसलिए ये आवश्यक है कि इससे लड़ने का इससे निपटने का हमें मसौदा तैयार करना है और हमें जो है उसके आ, निदान पाने के उपाय के बारे में बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है साइबर uh, स्टॉकिंग किन माध्यम से किन तरीकों से हो सकता है उसका निष्पादन कैसे हो सकता है थोड़ी सी ये चीजें देखिए uh, हमें जो है स्टॉकर का जो दिमाग है उसमें जाके देखना बहुत आवश्यक है कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है ये जानना आवश्यक है कोई भी उसकी क्या स्थिति है हमने पिछले लेक्चर में हमने एक्टेस रेस और मेनसरिया के बारे में बात की तो उसकी मनस्थिति क्या है उसकी मेंटल कंडीशन क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे तो जो साइबर स्टॉकिंग के रूप में हम देखेंगे तो तीन क्षेत्र प्रमुख हैं तीन प्रमुख तरीके हैं एक तो आप लोगों ने सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में शायद इंटरनेट का चैट रूम देखा होगा तकनीकी भाषा में इसको हम आईआरसी या इंटरनेट रिले चैट कहते हैं इसको हम लाइव चैट भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ टाइप कर रहा है या वॉइस भी कर सकते हैं या वीडियो भी कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति साइमल्टेसली दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कुछ टाइप कर रहा है या वीडियो भेज रहा है या वॉइस पे बात हो रही है ये जो सेम uh, टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं या गूगल uh, हैंग पे कॉल करते हैं या फेसबुक पे कॉल करते हैं आप इस पर आप इस पर टेलीफोन का यूज़ नहीं कर रहे हैं बट इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर आप ये तकनीक यूज़ कर रहे हैं तो एक उपयोगकर्ता एक यूज़र अन्य उपयोग र्ताओं के साथ लाइव चैट कर रहा है लाइव वार्ता कर रहा है और साइबर स्टॉकिंग के केस में सबसे आम जगह देखने को यही गई है इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेट चैट रूम में अपनी असल जिंदगी के बारे में कुछ ना बताएं आप कहाँ नौकरी करते हैं आपकी फेस की तस्वीर कभी ना दें आपके कितने बच्चे हैं आप किस जगह नौकरी करते हैं कौन से शहर में रहते हैं क्या आपकी कॉलोनी है जहाँ आप रहते हैं कुछ भी किसी व्यक्ति को ना बताइए चाहे वो कितना भी विश्वासप्रद ना हो आप क्या पता आगे वो स्टॉकर ना बन जाए शादी हुई कि नहीं इस तरह की जो निजी चीजें हैं असल जिंदगी की उनको ना बताएं दूसरा जो है मैसेज बोर्ड या समाचार समूह जो व्हाट्स जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं इसमें उपयोगकर्ता जो है एक संदेश डाल देते हैं और वो संदेश जितने भी न्यूज़ ग्रुप के लोग हैं वो पढ़ लेते हैं दुनिया में कहीं भी हो उनके साथ बातचीत करते हैं संदेशों का आदान प्रदान करके इसमें भी साइबर स्टॉकिंग होती है इसने ये लिखा उसने वो लिखा देखिए साइबर स्टॉकिंग आपके फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है आपकी साइबर स्टॉकिंग आपके आ, कुछ लोगों की आदत है मैं आपको बताऊँ मेरे एक शिक्षक थे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अब वो नहीं है इस दुनिया में बट उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने क्या किया था क्या गलती की थी ताकि हम लोग उससे सीखें ये क्या किया करते थे कि ये कहीं भी छुट्टियां मनाने जाते थे तो ये इंटरनेट पे फेसबुक पे डाल दिया करते थे कि मैं जो है नैनीताल गया हूँ छुट्टी मनाने या मैं फलाने फलाने मॉल में गया हूँ शॉपिंग करने ये तुरंत डाला करते थे और हमारा ही एक छात्र हमारा ही एक सहपाठी उनके फेसबुक पे पूरे टाइम देखते रहता था और एक दिन जब सर गए शहर से बाहर तो उसने सर के घर में चोरी कर ली तो ये जो चीज़ें हैं ये ये भी एक तरह की स्टॉकिंग ही तो हुई कि वो पूरे टाइम उनका फेसबुक देखता रहता था और ये पूरे टाइम लाइव अपडेट्स डालते रहते थे आपको फेसबुक पर डालना है कि आप कानपुर गए या प्रयागराज गए जरूर डालिए बट लाइव मत डालिए जब आप कानपुर से वापस आ जाए तब डाल दीजिए कि कानपुर गए थे क्योंकि लाइव डालने से ख़तरा ये है कि वो आ, सारी दुनिया देख रही है उसको और वो फिर ऐसा ना हो कि कहीं आपके आ, घर परिवार में पहुंच जाए या आपके घर में चोरी हो जाए इस तरह की चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए मित्रों बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कोई काम नहीं है वो साइबर स्टॉकिंग करते हैं आ, और कई बार ऐसा होता है कि उनका शायद कोई इरादा भी ना हो बस वो जिसे कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं राइट तो ये ये जो मैंने केस बताया छात्र का ये कुछ ऐसा ही केस था उसको थोड़ी सी आमदनी एक्स्ट्रा चाहिए थी उसने कर लिया बट बेसिकली वो टाइम पास ही कर रहा था Uh, मित्रों ईमेल बॉक्स है जो आपके ईमेल होते हैं उपयोगकर्ता कुछ भी लिखने की क्षमता रखते हैं ईमेल के साथ आप अटैचमेंट लगा सकते हैं फाइल संलग्न कर सकते हैं ऐसे ऐसे तरीकों के माध्यम से अवांछित मेल जो नहीं चाहिए वो भेजे जा सकते हैं वायरस भेजे जा सकते हैं आई चोरी की जा सकती है जिसके बारे में हमने प्रथम एवं द्वितीय लेक्चर्स में चर्चा की है साइबर स्टॉकिंग जो है ये सारे जो तरीके हैं ये अभिव्यक्ति के जितने भी के हैं उनमें साइबर स्टॉकर पहुंचने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स हमने कहा कि हम आपसे टाइप ऑफ आप स्टॉकर्स की बात करेंगे या क्यों व्यक्ति स्टॉकिंग करता है उसके पीछे के कारण क्या हैं तो हम एक एक करके ये सारे स्टॉकर्स की बात करेंगे पहला और सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन किस्म का जो स्टॉकर है वो है सरल जुनूनी स्टॉकर या आ, सिंपल ऑप्शनल स्टॉकर जो सरल जुनूनी स्टॉकर है ये जो है पीड़ित और स्टॉकर के बीच इनमें कोई ना कोई पूर्व संबंध जरूर मौजूद होता है और ये जो जो स्टॉकर है जो व्यक्ति स्टॉकर बन गया है ये या तो दुर्व्यवहार सोचता है कि पीड़ित या पीड़िता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया या कथित दूर दुर्व्यवहार परसीव्ड दुर्व्यवहार देखिए आ, मान लीजिए आपके साथ सही में दुर्व्यवहार किया हो क्या वो आपको एक ऐसा आ, रीजन देता है कि आप जो है दूसरे व्यक्ति को दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के स्टॉकर बन जाएंगे बिल्कुल नहीं और अधिकांश केसेस में तो वो दुर्व्यवहार असली में दुर्व्यवहार होता भी नहीं है परसीव दुर्व्यवहार है मैं आपको बताता हूँ परसीव दुर्व्यवहार क्या होता है मान लीजिए आप और मैं एक दूसरे के परिचित हैं और आ, मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ आप मुझे सामने से कॉरिडोर में मिलते हैं और नमस्कार करते हैं और मैंने नहीं देखा तो आप ये सोचेंगे कि ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर गया इसने मेरी नमस्ते भी नहीं ली इसने मेरे को जो है दोबारा विश भी नहीं किया तो आ, ये ये एक परसीव्ड चीज़ें हैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है परसीव्ड होती हैं वो शायद सच ना हो तो आ, अगर असली में दुर्व्यवहार आपके साथ किया है किसी ने या परसीव दुर्व्यवहार है आपको ऐसा लगता है किसी ने किया है तो भी आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिल जाता कि आप उस व्यक्ति को परेशान करें स्टॉकिंग करके रिश्ते में जो है खटास आ गई है तो रिश्ते को ख़त्म कर दिया कोई बात नहीं बट जो है ये ये काम नहीं कि आप जो है स्टॉकिंग करेंगे ये बहुत सारे जो है, वो जो वो उनके साथ अगर उनको लगता है दुर्व्यवहार हुआ है तो वो प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगते हैं और वो प्रतिशोध या रिवेंज प्राप्त करने के लिए स्टॉकर का रूप धारण कर लेते हैं रिवेंज के बारे में अंग्रेजी में कहते हैं रिवेंज इज बेस्ट वेन सर्व कोल्ड तो हर चीज का प्रतिशोध प्राप्त करना शायद एक उचित चीज़ नहीं है और आप एक कैंपेन स्टार्ट कर देंगे एक अभियान स्टार्ट कर देंगे कि प्रतिशोध आपको प्राप्त करना है तो शायद ये उचित नहीं है ये इसमें आप अपना ही नुकसान करेंगे अगर आप जो है किसी भी सामान्य तौर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने जो है किसी से दुश्मनी या नेगेटिविटी का आप रखेंगे तो आप ही की लाइफ में वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा सेम स्टॉकिंग के केस में ये बड़ी नेगेटिव चीजें हैं साइबर uh, स्टॉकिंग का जो है सबसे खतरनाक और सबसे आम सबसे कॉमन किस्म की स्टॉकिंग है ये सिंपल ऑब्सेसनल नाम ही उसका ये बता रहा है सिंपल ऑब्सेशन ऑब्सेशन का मतलब है जुनून उसके दिमाग पे कोई फितूर है उसके दिमाग पे कोई जुनून है देखिए दुनिया में हर चीज का इलाज है जुनून का फितूर का शक का अनफॉर्चूनेटली कोई इलाज नहीं है अम uh, जो है पीछा करने का ये जो रूप है ये पीड़ित को नुकसान पहुंचा सकता है पीड़ित की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है अधिकार देखा भी यही गया है ये एसिड अटैक्स की जो सारी समस्या पैदा हो गई है कि आजीवन आप किसी का फेस ख़राब कर देते हैं एसिड फेंक के जिसकी वजह से सरकार को एसिड सेल एसिड अटैक को सबको नियंत्रित करना पड़ा है एसिड अटैक को आई और अब भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया है ये इसीलिए कि ये जो स्टॉकिंग वाले जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं मित्रों ये एक बहुत ही दर्दनाक केस दिल्ली से आया था 2022 में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ये दो व्यक्ति थे जो लिव इन रिलेशनशिप में थे बम्बई से दिल्ली आए दोनों अपनी अपनी नौकरी करते थे आई में थे और पेशेवर लोग थे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे आ, ये रिलेशनशिप अब्यूसिव हो गई थी और श्रद्धा इससे निकलना चाह रही थी तो जो उनके लिव इन पार्टनर थे आफ्ताब उन्होंने जो है उनका मर्डर किया और उनकी जो है बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अपने फ्रिज में रख लिया और कई महीनों तक ऐसे ही रहा फ्रीज़र में बॉडी रही छोटे छोटे टुकड़ों में रख के तो ये जो और और, और कई बार देखा जाता है कि ये घरेलू हिंसा के मामले होते हैं आ, जो आ, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यही पीड़ितों का पीछा करने लगते हैं उनको कहते हैं कि साहब आप हमारे साथ नहीं रह सकते तो आपके आपको हम और किसी के साथ भी नहीं रहने देंगे और आ, ऐसे में जो है जो पार्टनर वो अपमानजनक रिश्ते से निकलने का प्रयास करता है उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है जो श्रद्धा वॉकर के साथ हुई आम, अभी कुछ दिनों पूर्व आपने एक इंसिडेंट पढ़ा होगा देखा होगा जो बेंगलोर की एक महिला थी उनका अपना पति से तलाक की कार्रवाई चल रही थी उनका एक छोटा सा चार साल का बच्चा था वो बच्चे को जो है अपने साथ गोवा लेके गई और तकिए से गला घोट के बच्चे को मार डाला और ये बोल के कि ये बच्चा मुझे अपने पति की याद दिलाता है आपका झगड़ा आपके पति से आप और आपके पति दोनों एक दूसरे के साथ स्टॉकिंग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं तो उसमें बच्चे का क्या कसूर था जिसको आपने अपनी कोक में ही नौ महीने तक रखा है तो ये इस तरह के आप राक्षस क्यों बन रहे हैं क्यों बन जाते हैं लोग तो ये आ, कुछ ऐसे विषय हैं आ, इनका सामाजिक असर भी है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बोला था और इसका कानूनी पर्सपेक्टिव तो हम देख ही रहे फ्रेंड्स ये दूसरे किस्म का स्टॉकर है एरोटोमेनिया स्टॉकर सो एरोटोमेनिया एक बीमारी है एक ब्रह्म है जो किसी पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मिस्टर ए मुझसे प्यार करते हैं भले ही आज तक आपने मिस्टर ए से मिले ही नहीं और जैसा मैंने आपको बताया अधिकांश ये देखिए फिगर छियासी परसेंट जो इस तरह के स्टॉकर होते हैं इराटोम ये महिलाएं हैं Uh, जो विक्टिम्स होते हैं जिनको स्टॉक किया जाता है एरोटोमैन स्टॉकर के द्वारा ये सेलिब्रिटीज होते हैं ये ऐसे होते हैं जो विक्टिम जो स्टॉकर की तुलना में उच्च कुल के उच्च स्टेटस के हों समाज में इनकी स्टैंडिंग अच्छी हो कंपेयर uh, टू जो आपका स्टॉकर है स्टॉकर uh, पत्र लिखता है फ़ोन करता है कभी कभी घर का पता प्राप्त करके वहाँ भी पहुँच जाता है आ, एक सज्जन मैं जानता हूँ वो बीते समय की जो फिल्म अभिनेत्री हैं आशा पारेख उनके घर पहुँच जाते हैं हर कुछ दिनों में साड़ी लेके। ये सोचते हैं कि आशा पारेख जी उनसे जो है प्रेम विवाह करेंगी और आशा पारेख जी का अपना स्थान है अपना मुकाम है और वो आ, मेरे ख्याल से सत्तर अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हैं तो वो उन सज्जन को आज भी ऐसा लगता है कि वो जो है उनसे प्रेम विवाह करेंगी सो so, आ, ये 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 जो ब्रह्म है ये एक आदर्शवादी रोमांटिक प्रेम है तो इसमें स्टॉकर जो है अपने विक्टिम को नुकसान पहुंचाएगा इसकी संभावना ना के बराबर होती है क्योंकि वो एक जो स्टॉकर है वो एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहा है वो एक आध्यात्मिक मिलन मन से मन का मिलन चाह रहा है उसको यौन आकर्षण नहीं है आ, जो, जो 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 एरोटोमेनिया की जो वस्तु है वो जो जो मैंने जानबूझ के ये शब्द लिखा है वस्तु आ, क्योंकि वो जो स्टॉकर है वो आ, उस व्यक्ति को तो जानता नहीं वो बस एक वस्तु को ही जान रहा है 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 कि कि जो जो आ, एक, एक एक उस व्यक्ति व्यक्ति की की इमेज इमेज उसी को आ, है को को वो 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 ऐसा समझता प्यार करता है वो उससे मिला ही नहीं होगा उसने उसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों से मीडिया से ही उसको मिली होगी स्टॉकर अपने जुनून का ऐसा भी हो सकता है लंबे समय तक गुप्त रखे ना किसी मित्र को ना किसी और को बताए कि ऐसा है तो ये जो सज्जन थे इन्होंने काफी समय तक कई तक कई दशकों ये आशा पारेख जी का अपने विचार मन में ही रखे और फिर उन्होंने दिखाया अपनी अलमारी में कि वो इतने सालों से आशा पारेख जी के लिए साड़ी खरीद रहे और फिर उन्होंने जाकर आशा पारेख जी के घर देना शुरू कर दी तो इस तरह की चीजें होती हैं इस प्रकार की जो स्टॉकिंग है वो बहुत गंभीर नहीं है स्टॉकर जो है पीड़ित को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम होती है क्योंकि वो हमेशा स्टॉकर का जो 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 सोचता है कि जो पीड़ित है उसका वो बेस्ट इंटरेस्ट यानी कि सर्वोत्तम हित हमेशा सर्वोपरि रखना चाहता है वो सोचता है कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो स्टॉकर के बेस्ट इंटरेस्ट में है तो इसलिए वो स्टॉकर जो है उसका विक्टिम का नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिकॉज स्टॉकर विक्टिम का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रख के ऐसा उसको लगता है क्योंकि उसको ऐसा एक भ्रम है मित्रों ये तीसरा किस्म का स्टॉकर है लव ऑप्शनल स्टॉकर यानी कि प्यार जुनूनी स्टॉकर ये एरोटोमेनिया से काफी कुछ मिलता जुलता है दोनों में ही पीड़ित व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते शायद समाचार पत्रों के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के बारे में पता चला है एरोटोमेनिया uh, और लव ऑब्सेशनल में फ़र्क ये है कि एरोटोमेनिया में uh, उसको यकीन है uh, जो स्टॉकर है कि वो उस uh, पीड़ित से प्रेम करता है और पीड़ित भी उससे प्रेम करता है यहाँ पे लव ऑब्सेशनल स्टॉकर को ऐसा नहीं uh, विश्वास है कि पीड़ित व्यक्ति उससे uh, प्रेम करता है या करती है वो अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है लव ऑप्शेसनल स्टॉकर कि कैसे वो पीड़ित व्यक्ति को uh, अपने से प्रेम करने के लिए उकसाए विवश करे मजबूर करे आ, ऐसा उसका प्यार जीतने के तरीके ढूंढने लगता है सो so, ये एक कट्टर जुनूनी तरीके से पीड़ित से प्यार करने लगता है कई बार ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनको कोई मानसिक तकलीफ भी होती है जैसे कि बहुत आ, खतरनाक मैं कहूँगा मानसिक बीमारी है शिज्जोफेनिया वो हो सकती है या कोई और इनको साइकाइट्रिक डायग्नोसिस हो मनोरोग के शौकी के, के मनोरोग इनका डायग्नोसिस हो मनोरोगी हो सो तो जो 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 ये इस तरह के जुनूनी एक इनफैक्ट एक मूवी भी आई थी जो इसी लव ऑब्सेशनल स्टॉकर पे बनी थी आ, उसमें उर्मिला मातोंडकर जी ने आ, लव ऑब्सेशनल स्टॉकर का किरदार निभाया था आ, और वो जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाने चली जाती थी अपने एलिजिड प्रेमी का आ, सो जो, आ, जो 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 स्टॉकर प्यार में जुनूनी हो सकता है वो उसको ये विश्वास ही नहीं है कि पीड़ित उनके साथ प्यार करता है कि नहीं बल्कि वो आ, अपने बारे में अपने अस्तित्व से अवगत करने के लिए ये विभिन्न तरह की स्टॉकिंग करते हैं ताकि पीड़ित को उनके बारे में पता चले पीड़ित उनका पीड़ित जो व्यक्ति जो है टेक नोटिस करें उनका जो है और वो एक अभियान एक कैंपेन चालू कर देते हैं कि पीड़ित मुझे देखे मेरे बारे में उसको पता चले पीड़ित के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन स्टॉकर ने स्वयं को ये बता दिया है कि जो सेलिब्रिटी है जो पीड़ित है वो उसके साथ उसको प्यार के लिए मना लेगी या मना लेगा इस तरह के मामले जो हैं काफ़ी आम हो चले हैं और इनमें भी नुकसान की संभावना है जो जो सेलिब्रिटी है उसको जो विक्टिम है उसको बट इतना नुकसान नहीं होने की आशंका है और ये मामले भी उतने आम नहीं हैं जितना कि पहले किस्म का जो हमने देखा था सिंपल ऑप्शेसनल यानी कि सरल जुनूनी स्टॉकर एक और समस्या की हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम स्टॉकिंग और यही चीजें जो मैं आपको बात कर रहा हूँ आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाएंगी इंटरनेट पे भी यही चीजें साइबर स्टॉकिंग में भी आपको लव ऑप्शनल स्टॉकर मिलते हैं एरोटोमेनिया स्टॉकर मिलते हैं सिंपल ऑप्शनल स्टॉकर मिलते हैं और ये समस्या इंटरनेट पर भी है और असल जिंदगी में भी है फॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम यानी कि झूठा शिकार सिंड्रोम की कई व्यक्ति होते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम स्वयं के बारे में अवधारणा अच्छी नहीं होती आ, वो जो है पोअर सेल्फ एस्टीम से ग्रसित होते हैं आ, वो दूसरे को ये समझाने का प्रयास करते हैं आ, कि उनका कोई पीछा कर रहा है वो इससे उनकी इंपॉर्टेंस पड़ती है वो एक असफल रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हों या लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हों अपनी ओर तो इस तरह की वो भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं आ, कई 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 बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जान कर ऐसा नहीं कर रहे हों उनको ये डिसऑर्डर हो जिससे वो लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो ऐसा भी कई कई बार होता है कि जो व्यक्ति ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं उनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो एडीएचडी हो इस तरह की चीजों में भी, भी आ, हो सकता है इस तरह के लक्षण उन स्थितियों में हमें जो है आ, भ्रमित नहीं होना चाहिए जिनमें स्टॉकर पीछा करने का शिकार होने का दावा करता है हमें जांच करनी चाहिए FBS के साथ मित्रों एक उल्लेखनीय समस्या है जो ऐसी समस्या का हम निदान करने के लिए अपने रिसोर्सेज जो मूल्यवान है जो महत्वपूर्ण है जो वैल्यूएबल है उनको हम यूज करने लगते हैं और असल में तो कोई समस्या है ही नहीं तो हमारे रिसोर्सेज जो है अप व्यय हो जाते हैं दे आर वेस्टेड सो एफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है दुर्लभ स्थिति है uh, बहुत कुछ ही मामले एफ के सामने आते हैं और ऐसे मामलों से जो स्टॉकिंग uh, के मामलों की रिपोर्टिंग को हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए ठीक है कुछ uh, uh, व्यक्ति जो है आके बोलेंगे शेर uh, आया शेर आया जबकि असली में शेयर नहीं था बट हमें ये मान के चलना है कि अगर व्यक्ति बोल रहा है कि शेर आया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि शेर सच में आया कि नहीं आ, ये फॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम की अगर मैं आपको परिकल्पना बताऊं तो एक छोटा सा आपको एक आ, कहानी बताऊंगा शायद आपने अपने बाल दिनों में ये कहानी सुनी होगी इसके अलग-अलग वेरिएशंस हैं वो सुने होंगे जंगल में एक गांव था और उस गांव में एक लड़का था आ, वो रोज़ रात को आके चिल्लाता था जब सब लोग सो चुके होते थे भेड़ आया भेड़िया आया भेड़िया आया आ, और रोज गांव वाले आते थे पहले दिन आए दूसरे दिन आए तीसरे दिन आए दसवें दिन आए पंद्रहवें दिन आए बीसवें दिन आए रोज़ गांव वाले आते थे कि कहाँ भेड़िया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और ये लड़का रोज़ बोलता था हा 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 मैंने आपको बुद्धू बनाया और जो है हंसता था और चले जाता था सोने मित्रों इक्कीसवें दिन भेड़िया सच में आ गया और देखिए उस दिन हुआ क्या कोई गांव वाला नहीं आया और वो भेड़िया उस बच्चे को खा गया तो फॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम की वजह से ऐसा हो सकता है कि लोग जो है असली स्टॉकिंग की कंप्लेंट्स पे ध्यान ना दें इसलिए मैंने ये सतर्क करने का प्रयास किया है कि फ़ॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ है हमारी रिसोर्स अपव्यय होती हैं बट क्योंकि फ़ॉल्स विक्टिमाइजेशन सिंड्रोम है एग्जिस्ट करता है हमें जो है अपने जो है असली स्टॉकिंग की जाँच और असली स्टॉकिंग के मामलों की रिपोर्ट लिखना कम नहीं करना है बंद नहीं करना है मित्रों ये जो स्टॉकिंग का जो पूरा माजरा है इसको लेके साइबर स्टॉकिंग का जो माजरा है इसको लेके क्या कानूनी संरचना है क्या कानूनी व्यवस्था है इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंने अपने इस डिस्कशन को तीन भागों में परिलक्षित करने का प्रयास किया है पहला है टॉर्ट लॉ दूसरा है क्रिमिनल लॉ और तीसरा है गैर घातक अपराध और स्टॉकिंग सो घातक अपराध की बात कर ले सबसे पहले तो ब्रिटेन देश ने सबसे पहले इसमें एक कानून बना दिया बाकी देशों ने भी इसमें प्रयास शुरू कर दिए हैं कनाडा में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में और अब भारत में भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि परिचर्चाओं में अक्सर मैंने देखा है गोष्ठियों में देखा है कि इस तरह की बात होती है कि स्टॉकिंग से होने वाली मानसिक क्षति की परिपूर्ति कैसे की जाएगी इस पर क्या कोई कानून होना चाहिए सो so, ब्रिटेन में इसको रिकोगनाइज करते हुए एक आ, आ, कानून बनाया गया उन्नीस में उसका नाम है प्रोटेक्ट फ्रॉम हैरेसमेंट एक्ट यानी कि उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 1997 और पीछा करने स्टॉकिंग के जो मामलों में आ, जो भी अभियोजन शुरू किया जा सकता है आ, अगर पीड़ित को उसकी वजह से उसका जो है स्वास्थ्य नहीं भी खराब हुआ है पर अगर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ा है आ, जैसे ये वाला जो केस था मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे क्लाइंट थे बेंगलोर में आ, जिनका यह महिला पीछा कर रही थी इनको बहुत ज्यादा आप आ, मानसिक प्रताड़ना हुई थी ये दो दिन तक अपने घर नहीं गए ये जो है तीस किलोमीटर दूर जाके येलाहंका में एयरफोर्स बेस में अपने एक मित्र के घर में जाके रहने लगे इन्होंने अपने मोबाइल फोन पे अनोन नंबर उठाने बंद कर दिए इन्होंने अपने घर की लैंडलाइन को डिसकनेक्ट करके सोना शुरू कर दिया तो इस तरह की इनको मानसिक प्रताड़ना हुई इन महिलाओं के आचरण से अगर हम टॉट लॉ की बात करें मित्रों तो जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत इंजंक्शन या निषेधाज्ञा की व्यवस्था है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उन्नीस के तहत साइबर स्टॉकिंग और स्टॉकिंग दोनों से न, निपटने के उपाय प्रदर्शित हैं ये जिस तरह ये उसी तरह की व्यवस्था है जैसे कि अमेरिका में है अमेरिका में निषेधाज्ञा टेम्प्ररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के रूप में देखी जाती है टी के रूप में देखी जाती है आ, एक बहुत फेमस टीआरओ आया था 2005 में जब तब के अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश रेंक्विस्ट की तबीयत बहुत ख़राब थी और सारे मीडिया वाले जो है उनके फ्रंट लॉन में जाके आ, अपने कैमरा का डेरा लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही उनकी मृत्यु हो सबसे पहले वो दुनिया को बताएंगे कि रेंकुस्ट जी दुनिया में नहीं रहे तो रेंकुस्ट के वकील जो है निषेधाज्ञा लेके आए कि ये आ, उनके बाउंड्री वॉल से सौ मीटर की दूरी पर ही रह सकते हैं सारे कैमरा वाले मीडिया वाले तो इसको टेम्प्रेरी सबसे आज तक का महत्वपूर्ण टी माना जाता है एटलीस्ट हाल के वर्षों में निषेधाज्ञा के लिए वादी यानी कि प्लेंटिफ को क्षति या आ, आ, जो है आशंकित क्षति लाइकली डैमेज साबित करना होगा तो हैज टू प्रूव दैट आइदर ही सफर्ड या उसको सफरिंग होने ही वाली है सो so, प्लटिव uh, को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हो जहाँ पे उसको स्टॉक किया गया है uh, कोई उस उस स्टॉकर उस ने या तो कोई अतिचार किया है यानी कि ड्रेस पास या कोई उपद्रव किया है न्यूसेंस किया है तो uh, ये जो है हम अतिचार और उपद्रव की बात करेंगे आगे जाके क्रिमिनल uh, लॉ में स्टॉकिंग को uh, जो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में तो साइबर स्टॉकिंग का कोई प्रावधान नहीं है बट सेक्शन अठहत्तर वन में भारतीय न्याय संहिता में स्टॉकिंग को परिभाषा दी गई है सेक्शन अठहत्तर दो के तहत uh, स्टॉकिंग का ऑफेंस करने पर पहला बार अगर आप करेंगे तो uh, 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 जो है आपको फाइन uh, uh, और एक साल तक की सज़ा का प्रावधान है और दूसरी बार करेंगे तो तीन साल तक सज़ा बढ़ाई जा सकती है माफ़ कीजिएगा पहली बार करेंगे तो तीन साल तक की सज़ा और दूसरी बार करेंगे तो पाँच साल तक की सज़ा का प्रावधान है सो uh, so ये हमारे एक्ट uh, में स्टॉकिंग को लेके पब्लिक न्यूसेंस को लेके भी पोजीशन है और ट्रेसपास को लेके क्रिमिनल ट्रेसपास को लेके भी पोजीशन है लॉ में स्टॉकिंग uh, के हम अगर बात कर लें या साइबर स्टॉकिंग की हम बात कर लें इसके क्या लीगल एलिमेंट्स हैं क्या इसके जो है कानूनी तत्व हैं क्या हमें भी अमेरिका की तर्ज पे एक एंटी स्टॉकिंग कानून बनाने की आवश्यकता है या क्या ये जो हमारा आईपीसी की डेफिनेशन है सेवेंटी एट वन ये सक्षम है आ, मेरा निजी मत है कि हमारी जो आईपीसी की डेफिनेशन है इसको हम साइबर स्टॉकिंग तक बड़े आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत या समस्या होनी नहीं चाहिए आ, जैसे कई बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे फॉलो करना सर्वेलेंस करना आ, किसी के घर में दूरबीन लगा के देखना फोन पे अवांछित संबंध करना ईमेल चिट्ठी पत्र प्रपत्र पैम्फलेट एसएमएस, व्हाट्सएप बार बार संदेश भेजना अवांछित वर्चुअल संपर्क व्हाट्सएप कॉल कर दी ये सब स्टॉकिंग की परिधि में आते हैं स्टॉकिंग की अवधारणा में आते हैं Uh, किसी को भी बिना रीज़न uh, uh, के अगर आप फोन uh, कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि वो आगे आपसे बात नहीं करना चाहता तो कृपया सतर्क रहें इसको ध्यान में रखें कि आप कहीं कोई लीगल ऑफेंस तो नहीं कर रहे हैं मेरे विचार से जो एग्जिस्टिंग लीगल ढांचा है भारतवर्ष में इसको निपटने के लिए वो काफ़ी है uh, एंटी स्टॉकिंग प्रावधान ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए बना है बट नागरिकों के जो आम मौलिक अधिकार हैं जैसे नाइनटीन वन ए नाइनटीन वन ए बोलने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्टॉकिंग के कारण स्टॉकिंग के लॉज के कारण आपने आ, ये मौलिक आज़ादी ही छीन ली जो भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त करता है ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों एक यहाँ पे बड़ा आ, आ, महत्वपूर्ण वाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमने ऐसे वाद से क्या सीखा ये वाद का नाम है डॉक्टर हर्ष पाठक बनाम भारत संघ ये आ, ये जो व्यक्ति हैं ये सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल्स में आ, प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अच्छे वादी वक्ताओं में दिल्ली में इनकी गिनती की जाती है तो इन्होंने जो है 2008 में 2007 में एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जहाँ पे वो कहते हैं कि जो ये बार बार लोगों को टेलीफोन कॉल आते हैं कि यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए ये कार लोन ले लीजिए इस रेस्टोरेंट की मेम्बरशिप ले लीजिए ये कहते हैं ये निजता का वायलेशन है प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी जो आप पढ़ेंगे आगे जा के फंडामेंटल राइट right बन गया है पुट्टास्वामी केस के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऐतिहासिक फैसला 2017 में उसकी हम चर्चा आगे करेंगे जब प्रिवेसी आपको पढ़ाएंगे बट ये प्रिवेसी निजता के अधिकार का तो हनन है ही साथ ही ये एक तरह से स्टॉकिंग भी है अवांछित बार 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 फोन किया जा रहा है तो स्टॉकिंग के अपराध को स्थापित करने के लिए स्टॉकर को ऐसा आचरण कम से कम दो घटनाएं होनी चाहिए जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया मेरे विचार से दो तरीके हो सकते हैं जिससे हम इसको निपटने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं लीगल मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कुछ विशिष्ट कृत्यों को हम सूचीबद्ध अगर कर लें जिनको बार बार किया जाए जैसे कि निगरानी करना गैरसहमति संचार करना इत्यादि नॉन कंसेंशुअल कम्युनिकेशन सर्वेलेंस इस तरह की चीजों की हम एक सूची बना लें कि भाई ये कार्य किए तो ये स्टॉकिंग दूसरा एक तरीका है कि स्टॉकिंग को ओफेंस ना बना के उत्पीड़न यानी कि हैरेसमेंट जैसा कि यूके में किया गया है जैसा एक ब्रॉड बेस्ड एक व्यापक ब्रॉड बेस्ड एक व्यापक परिभाषा हम अगर बना दें एक और सर्वव्यापी वाक्यांश दे दें मेरा निजी मत है कि ये जो दूसरा रास्ता है इसमें शायद इम्प्लीमेंटेशन को लेके दिक्कतें आएंगी अगर आपने आ, जो डेफिनेशन है बहुत बहुत अधिक ब्रॉड बेस्ड कर दी तो बट ये दो तरीके मुझे ध्यान आते हैं आ, अब बात ये होती है कि खतरा कब खतरा बन जाता है कब वो ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति स्टॉकिंग की शिकायत कर रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव है और क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पीछा किया गया आ, उतना ही तरीके से तो वो उसको स्टॉकिंग नहीं लगी और आ, किसी एक व्यक्ति को उतना ही पीछा किया गया तो उसको स्टॉकिंग लगी देखिए मित्रों पाँच उंगलियां हैं ये पाँचों बराबर नहीं होती सो आ, आ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं कि, किसी व्यक्ति को क्या चीज़ कितनी बुरी लगी ठीक है सो तो वो जो 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 जिस जिस व्यक्ति को प्रताड़ना हो रही है उससे उसके दृष्टिकोण से हमें देखना होगा कि कितनी प्रताड़ना हो रही है उसको स्टॉकर को पीड़ित में भय पैदा करने के लिए आपराधिक इरादा यानी कि इंटेंशन इंटेंशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है इतना ही अगर हम प्रूव कर सके कि उसको पता था कि इससे भय पैदा हो सकता है स्टॉकर का आचरण जानबूझ के उद्देश्यपूर्ण जानबूझ के सर्वज्ञ होना चाहिए ऐसा होना चाहिए इट शुड बी नोन जो प्रोसिक्यूशन है अभियोजन पक्ष है उसको ये साबित करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि जो डिफेंडेंट है जो अक्यूज पर्सन है उसका इरादा भय पैदा करने का था आ, जब बस इतना साबित कर दें कि उसका कार्य जो था उसको पता था कि वो जो कार्य कर रहा है उससे भय पैदा हो सकता है इतना अगर वो बता दे तो काफी है इतना अगर अभियोजन पक्ष साबित कर दे तो काफी है स्टॉकर की ओर से विशिष्ट इरादा यानी कि स्पेसिफिक इंटेंट हमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं स्पेसिफिक इंटेंट not needed. So, मित्रों एक और कंसेप्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हम साइबर स्टॉकिंग और स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं निकट परिवार इमीजिएट फैमिली ये जो डेफिनेशन है इमीजिएट फैमिली की ये आपकी जो घर में आपके साथ जो लोग रहते हैं जो आपके इमीजिएट फैमिली जो 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 आपके न्यूक्लियर फैमिली है यानी कि मम्मी पापा आ, या आ, पत्नी पति बच्चे उससे थोड़ी सी अलग है कई बार क्या होता है और मैं आपको बताता हूँ ये डेफिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्यों अमूल्य हो जाती है आ, कई बार क्या होता है आ, आ, जो, जो 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 जिस व्यक्ति को स्टॉक कर रहे हैं उसको तो डराते ही हैं उसको तो धमकाते ही हैं साथ ही उसके जो परिवार वाले हैं उनको क्षति पहुँचाने की धमकी दी जाती है अब कई बार व्यक्ति अपने आप को दी गई धमकी को इतना सीरियसली नहीं लेता है बनिस्पत इसके कि परिवार के सदस्य को दी गई धमकी परिवार के सदस्य को आप जानवरों में भी इसी तरह का बर्ताव देख रहे हैं आप किसी शेर की तरफ अग्रेसिवली बढ़ते हैं तो वो शेर को कुछ नहीं होता लेकिन शेरनी के सामने अगर आप उसके बच्चों की तरफ अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं तो शेरनी आप पर जरूर झपट्टा मारेगी यही आप बंदरों में देखते हैं तो वैसे ही इंसानों में भी है अगर कई बार क्या होता है कि जो प्राथमिक पीड़ित है जो एक्चुअल विक्टिम है उसको दी गई धमकी का उस पे पीड़ित पे इतना असर नहीं होता उसकी परेशान तो हो जाता है तो परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी के जो मामले हैं ये स्टॉकिंग के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां जहां जो है प्रारंभिक प्राथमिक पीड़ित जो है वो स्टॉकिंग के लिए स्टॉकर पर मुकदमा चला रहा हो या जो अभियोजन पक्ष है स्टेट है वो मुकदमा चला रहा हो स्टॉकर पर प्राथमिक पीड़ित के ऊपर सो so, अगर किसी फैमिली मेंबर को धमकी दी गई है वो इसका प्रूफ यूज़ किया जा सकता है एविडेंस साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जा सकता है निकट परिवार की जो परिभाषा है ये, आ, ये, ये जो, जो जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जो कि जो आ, संयुक्त परिवार है वो आप लुप्त होते जा रहे हैं न्यूक्लियर परिवार की तुलना में जो निकट परिवार की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी व्याप्त है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो छह महीने की अवधि से ज्यादा आपके घर में रहा हो या जिसके घर में आप रहे हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पिछले छह महीने से अधिक आपके घर में रहा हो भले वो आपकी मेड सर्वेंट ही क्यों ना हो आ, भले वो आपका पालतू डॉग ही क्यों ना हो अगर उसको नुकसान पहुंचाने की बात है तो वो भी निकट परिवार वो व्यक्ति भी निकट परिवार की परिभाषा में आता है अगर वो आपके साथ एक ही घर में रहा हो छ महीने से अधिक या करेंटली आज की स्थिति में छह महीने से ज्यादा समय तक रहता हो या आज की स्थिति में रहता हो आपके घर में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसने कोई नई उसकी महिला मित्र या पुरुष मित्र बन गया रोमांटिक इंटरेस्ट बन गया तो वो भी इस पर परिभाषा में इंगित हो जाएगा शामिल हो जाएगा भले ही वो उसी घर में ना रहता हो अगर आपकी कोई महिला मित्र है गर्लफ्रेंड है वो अपने घर में रहती हैं, बट वो भी आपकी इमीजिएट फैमिली की परिधि में आ जाएंगी इस परिभाषा को अगर हम बहुत व्यापक बहुत बेस्ड बनाएंगे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इमीजिएट फैमिली का कंसेप्ट मित्रों मित्रों अब जैसे हम अपने इस लेक्चर के अंत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं आ, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि साइबर स्टॉकिंग के अगर आपके पास मामला आता है आ, आपके पास अगर साइबर स्टॉकिंग का केस आता है तो आपको मित्रों क्या करना है और क्या नहीं करना है देखिए जो क्लू है जो सबसे पहले आपको ऐसे बताता है कि साइबर स्टॉकिंग हो रही है जब एक रेड फ्लैग के रूप में दिखाई देता है जब ये जो स्टॉकर है ये व्यक्तिगत जीवन के बारे में कार्य आपके कार्य क्षेत्र के बारे में निजी जीवन के बारे में जो इंटरनेट से दूर जीवन है उसके बारे में जानकारी पूछने लगता है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगता है ही स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी अग्रेसिव ही स्टार्ट आस्किंग रिपीटेडली Uh, किसी भी अवांछित संपर्क के मामले में स्टॉकर को क्लियर बता दें अवांछित संपर्क है यू डोंट वांट दैट कांटेक्ट स्टॉकर को बता दें कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपसे आगे संपर्क करें दैट इज इट आपने बता दिया उसके बाद भी अगर वो लगातार संपर्क करती हैं या करते हैं तो ये स्टॉकिंग का क्लियर मामला बन जाता है इंटरनेट के, के केस में व्यक्तिगत जानकारी का कोई साझाकरण कभी ना करें कभी भी ईमेल या चैट रूम या आ, अपने अपने जो है इस तरह की कोई भी निजी जानकारी शेयर ना करें अपनी पर्सनल डेटा का विशेष ध्यान रखें जैसा कि हमने कल बात की पहले दूसरे लेक्चर में अः साइबर स्टॉकिंग के जो भी सबूत हैं कोई आपको गंदे मैसेज भेज रहा है गंदे ईमेल भेज रहा है अश्लील साहित्य भेज रहा है इसको जरूर शेयर करें अपने आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको दिखाएं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दिखाएं कानून प्रवर्तन एजेंसीज़ पुलिस इत्यादि को दिखाएं उनसे संपर्क करें पहले मौके पर और जो भी ये कम्युनिकेशन है जो भी ये एविडेंस आपके पास है इसको संपादित ना करें इसको निष्पादित ना करें इसको परिवर्तित ना करें इसको ऑल्टर ना करें को जो है डिस्ट्रॉय ना करें कई बार हम सोचते हैं कि अरे इसने इतना गंदा गंदा लिखा है इससे मेरी छवि धूमिल होगी मित्रों आपकी छवि धूमिल नहीं होगी और जो सामने वाला है उसकी छवि धूमिल होगी अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो फिर वो व्यक्ति बच जाएगा बोलेगा कि टेम्परिंग विद एविडेंस किया गया है कितना भी अश्लील कितना भी असभ्य क्यों ना हो इसको एविडेंस के रूप में देखिए इसको उस तरह से बचा के रखिए मित्रों मैं ये सलाह दूंगा इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम मैं ये नहीं कह रहा आप साइबर स्टॉकर बन जाइए बट तकनीक सीखिए साइबर स्टॉकर्स उत्पीड़न के लिए नए लोगों को ही लक्षित करना पसंद करते हैं टारगेट करना पसंद करते हैं आ, क्योंकि ये आ, नए लोगों को ये आ, पता नहीं होता कि कैसे लड़ें या कैसे आ, क्या करना है और क्या नहीं करना है साइबर स्टॉकिंग के केस में तो मित्रों अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बारे में अवश्य सीखिए अवश्य लड़िए अवश्य जवाब दीजिए अवश्य जानकारी एकत्रित करिए अपने आईएसपी को बताइए आईपी एड्रेस को ट्रेस करिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास जाइए जो भी किसी व्यक्ति ने आपको अश्लील साहित्य या अश्लील बातें या अश्लील मैसेज भेजें उनको सहेज कर रखें और समय पड़ने पर लॉ इन्फोर्स एजेंसीज के साथ साझा करें मित्रों अंत में साइबर स्टॉकिंग के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये आज हमारे बीच मौजूद है आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटरनेट का विकास होने वाला है तो साइबर स्टॉकिंग की जो घटनाएं हैं ये आगे और बढ़ने वाली हैं हमारे हमें साइबर स्टॉकिंग के साथ हमें निपटारा करना आ, आना चाहिए आ, इंटरनेट की तकनीकी सीखें आ, चैट रूम में अपनी निजी जानकारी ना साझा करें जैसा मैंने बताया डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखें आपराधिक कानून में जो स्टॉकिंग का रिसेप्शन है इसमें दो चीज़ें हैं आ, जैसे मैंने कहा आ, आ, एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर स्वीकार्य सामाजिक व्यवहार की सीमाएं कैसे निर्धारित हो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि अब साइबर स्टॉकिंग के आने से आ, ये सीमाएं हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा और एक और है जो चीज़ मैंने आपसे बात की मनोवैज्ञानिक या साइकाट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हवाला देकर क्या स्टॉकर बच सकता है क्या उसे बच जाना चाहिए आ, जब वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को साइकोलॉजिकल हार्म पहुँचा रहा है अपने कृत्यों के भारतीय कानून को इस मुद्दे में अधिक संवेदनशील और अधिक सेंसिटिव होने की आवश्यकता है आ, जो मैंने आपको वाक्य बताया बेंगलोर में पंद्रह वर्ष पहले घटा कोई भी पुलिस अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं था कि महिलाओं भी महिलाएं भी जो है पुरुषों को स्टॉक कर सकती हैं बिकॉज आमतौर पर ऐसा नहीं होता है तो आ, कानून को संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि स्टॉकिंग किसी के भी साथ हो सकती है आ, महिला हो या पुरुष ये जो मैंने आपको हिंदी मूवी बता थी जिसमें उर्मिला मातोनकर जी स्टॉकर थी उसमें भी महिला ही स्टॉकर के रूप में दिखाई गई है तो ऐसी चीजें होती हैं मित्रों हमें थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए हंसी मजाक में इनको नहीं उड़ाना चाहिए अगर आ, आप महिला हैं और आपको कोई व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा है इस तरह से पीछा कर रहा है तो इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करिए लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साझा करिए अपने परिवार के सदस्यों को समझाने का प्रयास कीजिए कि इस पूरे वाक्य में आपका कोई गलत रोल नहीं है आ, हमें समझना होगा कि एक इंटीग्रेटेड सामाजिक प्रक्रिया के तहत हम इससे निपटने का प्रयास करें ना केवल अपराधी बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को आ, लोगों की गोपनीयता को रिस्पेक्ट करना गोपनीयता की रक्षा करने का महत्व पता होना चाहिए और ये तभी होगा जब हम एक कल्चर बिल्ड करें कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ के प्रति जीरो टॉलरेंस हो आ, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि साइबर स्टॉकर या वास्तविक दुनिया का स्टॉकर का सामना करें तो हम किस तरह का बर्ताव करें सबसे पहले हमें डरना नहीं है हमें जो है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया और हमें जो है उसको तुरंत उसकी जितनी भी एविडेंस है उसको एकत्रित करके समय आने पर लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साझा करना है सो मित्रों ये तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त हुआ आशा करते हैं आपको काफ़ी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा लाभप्रद और ज्ञानदायी रहा होगा आपके लिए आपसे फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर फाइव के लिए आ, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच